आरकेपुरम के एकता विहार में उस समय दहशत फैल गई जब किसी ने ये अफवाह फैला दी कि बगल के सीआरपीएफ कैंप या एनएसजी कैंप से जहरीली गैस छोड़ी गई है, जिसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत आने लगी। लोग अपने घरों में बदहवास होकर बाहर सड़कों पर आकर खड़े हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यहां के लोगों ने बताया कि जहरीली गैस से कई लोग बेहोश हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर समाज सेवी महिपाल गौतम पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को मास्क वितरण किया ताकि इस जहरीली गैस से लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। फिर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय पुलिस के एसएचओ अपने दल बल के साथ पहुंच गई। कोई हादसा ना हो इसके लिए दो फायर की गाड़ियां और लगभग 6 एम्बुलेंस भी पहुंच गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीआरपीएफ और एनएसजी कैंप में जाकर जांच की, लेकिन वहां से कोई गैस लीक होने की बात से इनकार किया गया। ये घटना रात लगभग 9 बजे की है। उस समय लोग खाना खाकर सोने की तैयारी में थे, लेकिन इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं और बाहर सड़कों पर ही जमे हुए हैं। पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये गैस लीक कहां से हुई है। मेरे को अभी आधा घंटे करीब पौने घंटे के करीब फोन आया कि एकता विहार में ऐसे ऐसे हो गया और मैं यहाँ सक्रिय हूँ, काफी लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो मैं एकदम यहाँ आके देखा मैंने मौके पे, तो ये पीछे की साइड से कहीं गैस लीक हुई है। ये तो सही है, कई लोग हमारे बेहोश भी हुए हैं, फिर एम्बुलेंस वगैरह आई है और जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल भेजा है। लेकिन आज के टाइम पे ये है कि पुलिस का अच्छा रोल रहा है। मैडम एसएचओ हैं अल्पना शर्मा, जो मेरे सबसे पहले मौके पे पहुंची और खुद अंदर जाके भी घूमी है। आज पुलिस का एम्बुलेंस का मुझे ठीक रोल लग रहा है, मतलब टाइम पे ही सारी कार्रवाई हुई। अभी क्या हुआ कि आधा पौने घंटे पहले ये कह रहे हैं इस गली में से गैस आई है। अच्छा। और ये वाली जो गली आप देख रहे हो सामने, पूरी गली में गैस थी और कम से कम नहीं तो 10-12 लोग बेहोश हो गए। और जब मैं पहुंचा तो मेरी आंखों में भी जलन थी। अच्छा। महसूस हुआ कि जलन है। जी जी। तो वो लोग कह रहे हैं कि पीछे से आई है। अब ये तो पुलिस कर रही है तहकीकात वगैरह, तो पुलिस का काम है कहाँ से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये दहशत यहाँ पे भी ये हो गया था कि आज दिनांक 24 तारीख को तकरीबन 9 बजे के करीब यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मची। तो जैसे ही मैं मौके वारदात पर पहुँचा तो मुझे पता लगा, जैसे ही मैं पहुँचा तो मेरे गले में मेरे जो साथी मेरे साथ पहुँचे तो हमारे गले में एकदम से जहरीली गैस का अटैक हुआ, आंखों में जहरीली गैस का अटैक हुआ, आंखों में गले में जहरीली। लोग बाग काफ़ी परेशान हो गए, पूरी कॉलोनी में हाबतड़े मच गई है, हुआ क्या अचानक से। तो हमारे पीछे एक एनएसजी कैंप और एक सीआरपी कैंप है, तो हमारे सभी साथियों को हमारे कॉलोनी वासियों का ये मानना है कि जहरीली गैस है जो वहीं से लीक हुई है, जिसके चलते मैंने एक कमांडेंट से बात भी करी थी, उनका जो सिपाही था, कि मैंने कहा आपके ऐसे कोई जहरीली गैस छुटी है, तो उनमें से एक ने मुझे ये भी कहा था कि 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैंने बोला हुआ क्या है, तो फिर वो बात को दबाते हुए बोला कि मुझे नहीं पता, पीछे से आ रही है सीआरपी कैंप से। तो मैंने जाकर सीआरपी कैंप में पीछे पता गया, सीआरपी कैंप बोला हमारे यहाँ से तो कोई नहीं है हमारे से, लेकिन जो मेरा मानना है, हमारे लोगों का मानना है कि एनएसजी कैंप से शायद कोई गैस लीक हुई है, जिसके चलते वो गैस काफ़ी जहरीली थी, जो सारे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही। तकरीबन 40-50 लोग हॉस्पिटल एडमिट हो चुके हैं, अभी भी गैस आँखों में, इतने बच्चों को इन सबके बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रही है, आँख जल रहे हैं, गले में जलन हो रही है, बहुत बुरी तरीके से अटैक हो रहा है उस गैस का।